खबरों में आगे बढ़ते हैं। सहरसा में कांग्रेस नेता हीरा प्रभाकर ने एक वीडियो जारी कर केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल कांग्रेस नेता ने वैक्सीन में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में अभी कोरोना टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लिए और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया, बावजूद इसके वे कोरोना से संक्रमित हो गए, जिसके बाद उन्होंने वीडियो जारी कर सरकार पर निशाना साधा। भारत सरकार, बिहार सरकार और जिला प्रशासन का जो भी गाइडलाइन हुआ या होता है उसका सब लोग पालन करते हैं, मैंने भी किया। इतना ही नहीं, मैंने दिनांक 9 मार्च 2021 का पहला टीका लिया और फिर मैंने दिनांक 6 अप्रैल 2021 को दूसरा टीका लिया और उसके बाद ना तो मैं कहीं बाजार गया बीच में, ना कहीं सहरसा, मैंने अपने शहर छोड़ के कहीं बाहर गया, ना किसी भीड़ भाड़ा में गया, ना किसी भोज भंडारा में गया। फिर भी मैं दिनांक 11 अप्रैल 2021 को नालंदा जिले के दीपनगर हाईवे के पास छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने दीपनगर हाईवे पर शराब से भरी ट्रक को जब्त किया है, जिसमें से 3,975 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। बरामद की गई शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर ट्रक मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बेटा के गांव में बालू से लदा ट्रैक्टर पलटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन कर रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सहरा गांव में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर निर्माण का कार्य चल रहा था। इसी कड़ी में बालू लदे ट्रैक्टर की ट्रॉली बालू गिराने के दौरान अनियंत्रित होकर गड्ढे में अचानक पलट गई, जिसमें दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से मृतक के घरों में मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक पेट्रोल पंप बन रहा है लालगंज सेहरा रोड में, सिकंदरपुर मोड़ से थोड़ा सा आगे, उसी में 5-6 गड्ढा है पेट्रोल पंप में, जिसमें ट्रैक्टर लाने के क्रम में फिसल कर गिर गया है, जिसमें 3 लेबर था गड्ढा में चला गया, जिसमें 3